तो भाई आज के इस वीडियो लेसन में मैं बात करने वो, वो रीजन जिनके कारण स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं अक्सर मैं कमेंट में पढ़ता हूं सर मेरा बेसिक इंग्लिश कंप्लीट है सर मेरा एडवांस इंग्लिश भी कंप्लीट है सर आई नो एवरीथिंग आई कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बट सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश सर कैसे बोलू सर मैं कैसे शुरुआत करूं तो भाई मैं वो कुछ रीजन्स आपको बताने वाला हूं जिनके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो इनमें से अगर कोई सा रीजन आप पर फिट हो रहा है ना तो भाई वो कारण क्या है और उसको कैसे हटाना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा इन रीजन्स में सबसे पहला रीजन जो हमने लिया है वो है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग ये अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर मैं बोलने की शुरुआत कैसे करूं सर मैं कहां से शुरू करूं कैसे इनिशिएट करूं देखिए जब भी आप किसी से बातचीत करें तो इंग्लिश के अलग अलग फेज होते हैं जिनमें सबसे पहला होता है कि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश कि आपको किसी से कैसे बातचीत करनी है अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो ये कि कुछ सेंटेंस आप रेडीमेड पहले से प्रिपेयर कर ले अब आप कहोगे सर आप तो रट्टाफिकेशन सिखा रहे हो जी नहीं मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं जिससे होकर गुजरने पर आप जो है अच्छे से बोल पाओगे मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कभी अनकंफर्टेबल फील करते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज को आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हो बिकॉज उस भाषा में आपने कई बार बोला है उस भाषा में आपने कई बार उन बातों को रखा है जो आप रख रहे हैं एंड दैट्स वाई यू डोंट फील अनकंफर्टेबल इन योर नेटिव लैंग्वेज ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश में आपने इससे पहले कभी नहीं बोला फर्स्ट टाइम बोलने जा रहे हो मुझे बताइए जिस काम को आप पहली बार करने जा रहे हो क्या आपको लगता है उसमें आप परफेक्शन हासिल कर लोगे उसको बहुत ही परफेक्टली कर पाओगे मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है इसीलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने होंगे जैसे मान लीजिए आपको किसी से बातचीत करनी है तो बातचीत करने में आपको उनसे क्या पूछना है आपका नाम क्या है वट सी आप कहां रहते हैं वेर डू यू लिव आपके फादर क्या करते हैं व्हाट डज योर फादर डू अब आप कहोगे सर ये तो सेंटेंस हमको आ जाते हैं देखिए आपको शुरुआत में जैसे आप किसी से मिले तो मिलते ही आप उनसे क्या कहते हो हाय बड़ी हाउ आर यू ये आपकी शुरुआत है अगर आप अपने ऑफिस में अपने कलीग से किसी से डिस्कस कर रहे हो वहां पर आपको इंग्लिश में कैसे शुरुआत करनी है अगर आप एक टीचर हैं आप अपने अदर uh, टीचर्स के साथ स्कूल में डिस्कस करना चाह रहे हो अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में डिस्कस करना चाह रहे हो तो वो पॉइंट्स जहां से आपको शुरुआत करनी है तो ये सारी चीजें आपको पहले प्रिपेयर करनी होगी ब्रेन में उसको सोचकर रखना होगा कि मुझे यहां से शुरुआत करनी है और जब आप कर देंगे ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे फ्लो पर आ जाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज लर्निंग में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना एक बार यह बिल्डअप हो गया तो ऑटोमेटिक आप अच्छे से अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग बोलने की शुरुआत कैसे करें यह सबसे बड़ा रीजन होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाता है दूसरा रीजन होता है वीक इन सेंटेंस मेकिंग जी हे स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट क्लेम करते हैं सर आई एम वेरी गुड इन सेंटेंस मेकिंग आई कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश लेट मी टेल यू अगर आप सच में ऐसा कर देते हो ना तो मैं बता दूं आप इंग्लिश बोल भी सकते हो लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप सच में एस एम पी में ठीक नहीं हो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में आप ठीक नहीं हो आपने कुछ प्रिपेर्ड सेंटेंस या रटे हुए सेंटेंस प्रिपेयर कर लिए और आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश आ गई है आपका सेंटेंस मेकिंग ठीक है सेंटेंस मेकिंग ठीक होने से मेरा मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर दें हम लोग हमारे जो ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस हैं या ऑफलाइन क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस में स्टूडेंट्स को एसएमपी ही स्ट्रॉन्ग करवाते हैं वो सुबह से शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उनको सिखाते हैं और जब वो ये करने लग जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है उनको अपने आप पर बिलीव हो जाता है उनको यह लगने लगता है कि यार लैंग्वेज उतनी टफ नहीं है जितनी टफ हमको बताई या समझाई जाती है क्योंकि जहां उनका सेंटेंस मेकिंग स्ट्रांग हो गया उनका एसएमपी स्ट्रांग हो गया वो अपने आप चीजों को कॉन्फिडेंटली बोलने लगते हैं देखो मैं एसएमपी का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अब हिंदी भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं आप हिंदी भाषा में कॉन्फिडेंटली बात क्यों कर लेते हैं बिकॉज जो सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हो ना यू हैव ऑलरेडी स्पोकन मेनी टाइम्स जैसे आपने हिंदी में एक सेंटेंस किसी से पूछा भाई अभी आप क्या कर रहे हो तो मुझे बताइए भाई अभी आप क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो क्या सेंटेंस आप पहली बार बोल रहे हो आप इस सेंटेंस को अपनी पूरी लाइफ में हजार बार बोल चुके हो लेकिन इंग्लिश में इसी सेंटेंस को वट आर यू डूइंग आई थिंक यू मस्ट बी स्पीकिंग फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम ज्यादा आपने इसको नहीं कभी बोला होगा एंड दैट इज वाय इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हो लेकिन जब यह सेंटेंस आप हजार बार बोलोगे वर यू डूइंग नाउ वट आर यू डूंग नाउ वर यू डूंग नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सेंटेंस मेकिंग से थिंग्स दैट यू स्पीक अगेन एंड अगेन बिकम योर पार्ट ऑफ लाइफ जो चीज को आप बार बार बोल रहे हो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है क्योंकि आपको कैसे बोलना कब बोलना कैसे किस वे में बोलना है वो सारी की सारी चीज़ें आपका ब्रेन जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है आपको लर्निंग के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो लर्निंग का मैकेनिज्म कहता है कि जो प्रोसेस जो सेंटेंसेस आप अपने डेली रूटीन में डेली ट्रांसलेट कर रहे हो जो सेंटेंसेस आप अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी स्पीकिंग का हिस्सा बन जाता है वो बहुत जल्दी आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है इसीलिए रूटीन का हिस्सा अगर लैंग्वेज इंग्लिश को बनाना है तो अपनी एस एम पी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इस पर बस मैंने काफी सारे वीडियो जो है बनाया है प्रैक्टिस के इसके लिए इंडिविजुअली प्ले लिस्ट भी हम लोगों ने तैयार करिए मैं चाहूंगा उस प्ले लिस्ट को नाम से उस प्लेलिस्ट को हमने बनाया है चलिए अगला मैं आपको लेकर चल रहा हूं वो है डोंट नो हाउ टू रिप्लाई भाई ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के साथ देखी गई है कि उनको एक्जैक्टली पता नहीं होता कि कैसे रिप्लाई करना है जैसे देखो मैं आपको रिप्लाई करना एक सिंपल सा तरीका बताता हूं अगर आपसे क्वेश्चन किसी ने हाउ से पूछा तो आपको क्या बताना होता है आपको प्रोसेस बतानी होती है तो आपको क्या बताना होता है आपको रीजन बताना होता है अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको टाइम बताना होता है प्लेज बताना होता है इन शॉर्ट जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना होता है तो ये हाउ हाउ टू टू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर की जो टेक्निक है ये तो आपको डेवलप करनी होगी भाई और इन पर बेस्ट मैंने काफी सारे प्रैक्टिस वीडियोस बनाए हैं और अभी तो हमारी संडे सैटरडे स्पेशल सीरीज चल रही है सबको अच्छे से पता होगा शाम में हम लोग लाइव आते हैं और वो सारा कॉन्टेंट आपको पढ़ाते हैं जिसकी आपको नीड है सीखने की और उसमें यह सारी की सारी चीज चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो भाई थर्टी को लाइव अटेंड कर लिया करो ताकि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सके अच्छे से अच्छा बढ़ा सके चलिए मैं लास्ट आपको जो बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट जिसके कारण प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करता है नेवर टू स्पीक। अब मैं आपको एक अच्छा सा फैक्ट uh, बताता हूं कि कभी भी कोई स्टूडेंट ना बोलने की कोशिश नहीं करता लेकिन क्लेम क्या करता है कि मुझे इंग्लिश आ जानी चाहिए बिना बोले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे कि आप मुझे एक बात कि आपने इस भाषा को कभी बोला नहीं है ठीक है आपने सिर्फ सेंटेंस मेकिंग को इंप्रूव किया आपने सिर्फ सेंटेंस बनाना सीखा है और आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस बनाकर सीखकर आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे तो भाई मैं आपको कहना चाहूंगा यह पॉसिबल तब होगा जब आप उस सेंटेंस को प्रैक्टिकली भी बोलोगे इसलिए जब भी आपको चांस मिले बोलने का तो उसे खोइए मत मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं हमारे पास कुछ हाउसवाइफ भी पढ़ने के लिए आती हैं उनमें से एक हाउस वाइफ ने मुझसे बोला सर आई एम एबल टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश आई कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बट सर आई एम अनबल टू टॉक विद माय डॉटर इन इंग्लिश आई कैन नॉट टॉक विद हर इन इंग्लिश तो मैंने उनसे पूछा डू यू एवर ट्राई टू टॉक विद योर डॉटर इन इंग्लिश देन शी सेड सर आई नेवर ट्राइड डू यू एवर ट्राई टू टॉक विद योर हस्बैंड इन इंग्लिश देन शी सेड नो सर आई नेवर ट्राइड अब मुझे आप बताएं कि जब उन्होंने कभी अपनी डॉटर से कभी अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की कोशिश ही नहीं करी तो मुझे बताइए कि क्या वो कर सकते हैं इंग्लिश में बात शी कैन नेवर और ऐसे जितने भी हाउसवाइफ हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको यह लगता है कि नहीं हम लोग जो है बिना प्रैक्टिस के भी या बिना बोले भी अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो बोलने की तो आप नहीं बोलने वाले हो यह फैक्ट है क्योंकि होता क्या है लर्निंग साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस काम को करने में आप इंटरेस्ट ले रहे हो और जिस काम को आप आगे रहकर कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हो वो काम जो है आपको जल्दी आ जाता है उस पर आप जल्दी कमांड कर लेते हो लेकिन जिस काम में या जिस वर्क में आपको एक डर है आपको एक हेजिटेशन है आपके अंदर किसी प्रकार का एक नेगेटिव थॉट उस वर्क के प्रति रखा हुआ है या फिर बना हुआ है तो उस वर्क को करने में आपको डिफिकल्टीज होगी इसीलिए जब भी स्पीकिंग करें एक चीज अपने माइंड में याद रखें I don't think about my mistakes and I'm going to speak English confidently. ये के साथ आपको जितना बन रहा है आप बोले। बाकी तो यार मैं कहता हूं कि कुछ चीजें समय के साथ भी आती है कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको हम समय के साथ सीखते हैं तो डिस्टूडेंट ये चार ऐसे रीजन थे जिनके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं अब अगर ये चार रीजन में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा रीजन है ऐसा ठीक है और मैं कमेंट में डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्टेंट के साथ में टिल देन टाड़ा बाय है गुड डे